डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक करंट टॉपिक्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का टॉपिक है लालू प्रसाद यादव और चारा घोटाला। आगे बढ़ने से पहले, ये जानने से पहले कि चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव कैसे मुलव्वस हुए, पहले हम जानते हैं कि लालू प्रसाद का कैरियर यानी पॉलिटिकल कैरियर कब शुरू हुआ। लालू प्रसाद यादव अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत जेपी आंदोलन से की थी। जेपी आंदोलन में वो एक नेता बनकर उभरे। वैसे उन्होंने अपने कॉलेज के जमाने में भी छात्र नेता के तौर पे जाने जाते थे। जब 1977 में देश में इमरजेंसी नाफिज़ किया गया और उसके बाद जब चुनाव हुए, तो लालू प्रसाद यादव पहली बार इलेक्शन के जरिए जीतकर लोकसभा पहुंचे। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 29 साल थी। उसके बाद वो लगातार बुलंदियों की तरफ बढ़ते रहे और अपने पॉलिटिकल कैरियर को चमकाते रहे। 1990 में वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने और फिर 1995 में भारी बहुमत से वो विजयी रहे और फिर एक बार, दूसरी बार फिर वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। इसके बाद शुरू में तो वो जनता दल में थे, लेकिन 1997 में उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई जिसको आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के नाम से जाना जाता है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे नोट कर दिए हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि ऑन द लोकसभा इलेक्शन आफ्टर द इमरजेंसी इन 1977, नेक्स्ट ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 1990 एंड नेक्स्ट ही लॉन्च हिज ओन पार्टी नेम आरजेडी इन 1997। और उसके बाद जब इन्होंने पार्टी अपनी बनाई, जनता दल से अलग हुए, तो उसी साल कहते हैं कि उन पे चारा घोटाले का इल्जाम लगा। चारा घोटाला बिहार का में जो चारा घोटाले का जो स्कैम हुआ था, कहते हैं कि उसमें 950 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकाल लिए गए थे और उसमें लालू प्रसाद के अलावा और भी कई लोग मुलजिम बनाए गए। उसके बाद उन्हें अपने मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा और वे अपनी वाइफ रावड़ी प्रसाद यादव को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंप कर खुद आरजेडी के अध्यक्ष पद पर रहे और कुछ दिनों के लिए कहा जाता है कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन सत्ता की बागडोर एक तरह से इनडायरेक्ट वे में उन्हीं के पास रही और कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव उस दौरान 135 दिन जेल में रहे और फिर उन्हें बेल मिल गया। इसके बाद 2000 के लोकसभा इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव फिर एक दफा किंग मेकर बनकर उभरे और लोकसभा इलेक्शन में 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, लालू प्रसाद यादव को
एमपी की अच्छी खासी सीट बिहार से मिली थी और उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट दिया और लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर बन गए। लालू ने अपने रेलवे मिनिस्ट्री के जमाने में रेलवे जो दशकों से नुकसान में चल रहा था उसे फायदे में ला दिया और उसके बाद उनकी पूरी दुनिया में धूम मच गई। कई जगह वह हिंदुस्तान से बाहर भी उन्हें बुलाया गया ताकि वो लोग ये जानने की कोशिश करें कि लालू प्रसाद यादव ने कैसे हिंदुस्तान की रेलवे को मुनाफे में लाया। ये एक तरह से लोगों के लिए रिसर्च का टॉपिक भी बन गया था और उस वक्त लालू काफी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर छाए रहे। लेकिन उसके बाद 3 अक्टूबर 2013 को लालू को चारा घोटाला के एक मामले में 5 साल की सजा सुना दी गई। सजा सुनाने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल चले गए, लेकिन 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट से फिर उन्हें बेल मिल गई। लेकिन इस बार जेल जाने के बाद एक तरह से उनका पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो गया। उन्हें लोकसभा से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया और उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई और वो हिंदुस्तान के ऐसे पहले नेता हुए जिनकी लोकसभा मेंबरशिप 2013 में खत्म कर दी गई थी। और ये भी कह दिया गया था कि वो आने वाले 11 साल तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, जिससे वो अब 2024 तक इलेक्शन हिंदुस्तान का कोई भी इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव पॉलिटिक्स में तो रहे, लेकिन फिर उस तरह से वो किंग मेकर की भूमिका में नहीं रहे जैसे पहले थे। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और जब नवंबर 2015 में जब बिहार का के विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ तो वो नीतीश से मिलकर महागठबंधन किया और उस गठबंधन में उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी और नीतीश से मिलकर बिहार में सरकार बनाई। बिहार में उनकी पार्टी सबसे बड़े पार्टी के तौर पे उभर कर सामने आई, लेकिन यह महागठबंधन बहुत दिन तक नहीं चल पाया और कुछ दिनों के बाद यह महागठबंधन टूट गया और फिर नीतीश कुमार बीजेपी से मिलकर फिर से बिहार में अपनी हुकूमत की बागडोर संभाल ली। उसके बाद लालू प्रसाद पे जितने भी इल्जाम थे उसके खिलाफ सुनवाई भी शुरू हो गई और 23 दिसंबर 2017 को झारखंड में उन्हें एक मामले में दोषी ठहराते हुए जेल में डाल दिया गया और कल यानी 6 जनवरी 2018 को जज ने उनके खिलाफ सजा का ऐलान किया।
लालू प्रसाद को कल यानी 6 जनवरी को जज के सामने जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर किया गया और लालू प्रसाद यादव जज के सामने हाथ जोड़कर आए। उन्होंने रहम की अपील भी की लेकिन फिर भी उन्हें चारा स्कैम के 2 मामलों में 3.5-3 साल की सजा और 5-5 लाख का जुर्माना आयत किया गया। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, यानी कि लालू प्रसाद यादव को अब 3.5 साल जेल में रहना पड़ेगा और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगर इन्होंने जुर्माना नहीं दिया तो उन्हें 6 महीने और जेल की सजा काटनी होगी। अब चूंकि सजा बड़ी है इस वजह से उन्हें बेल लेने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और अब देखिए आगे क्या होता है। उन्हें हाई कोर्ट से बेल मिलती है या लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल तक जेल में रहना पड़ता है, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसके बाद यानी सजा सुनने के बाद लालू प्रसाद यादव ने जेल से ही ये ट्वीट किया कि मुझे न्याय, समानता और सम्मान के लिए खुशी खुशी मरना पसंद है। और उन्होंने अपने प्रशंसकों को जेल से ही यह खत जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आप लोग, बल्कि उन्होंने जनता से बड़े ही भावुक अपील की है कि आप लोग शांति बनाए रखें, लालू प्रसाद यादव जल्द ही जेल से बाहर आएगा। और ये चूंकि एक विचारधारा की लड़ाई है और उसके आगे लालू प्रसाद यादव कभी नहीं झुकेगा, यहां तक के उसकी मौत ही क्यों ना आ जाए और उसे या तो 100 साल की सजा ही क्यों ना भुगतनी पड़े। यानी के लालू प्रसाद ने यह संदेश दिया कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है और इसके आगे मैं कभी नहीं झुकूंगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं और फिर कोई करंट टॉपिक्स लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।